राइनो जंगल के सबसे बड़े और सबसे मजबूत जानवरों में से एक है। ये आमतौर पर शांत रहते हैं और ये किसी के साथ बेवजह उलझते नहीं हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलत घटनाएं हैं जिनमें राइनो कुछ गलत विरोधियों के साथ उलझ जाता है। नंबर एक, कुछ हाथी तालाब में पानी पीने आए थे और जब ये तालाब के पास आ रहे थे तो उन्होंने एक मादा राइनो को देखा। उन्होंने उनमें से एक हाथी का दिमाग खराब हो गया और वह राइनो पर हमला बोल देता है। राइनो के पास हाथी की ताकत के सामने भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो राइनो ने दुम दबा के हाथी के सामने भाग गए। नंबर दो, यहाँ पर एक राइनो भैंस से लड़ाई कर रहा है। भैंस राइनो की तुलना में आधी है, फिर भी भैंस राइनो को अच्छी टक्कर दे रही है और धीरे धीरे बाकी की भैंस आगे आते जा रहे हैं। तो फिर राइनो के दिमाग की बत्ती जली और वह वहाँ से भागने की तैयारी में लग गया। राइनो को पता था कि अब अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मेरे साथ क्या होगा। नंबर तीन, राइनो एक तालाब में पानी पीने आया था, लेकिन तभी वहाँ उसका सामना एक हिप्पो से हो गया। हिप्पो पहले ही गुस्से में था, वह राइनो को देखकर वो डराने लगा, लेकिन राइनो वहाँ से नहीं गया। इतने में हिप्पो का एक और साथी वहाँ आ गया। काफ़ी बार डराने के बाद हिप्पो ने राइनो पर हमला कर दिया और उसकी काफ़ी बुरी तरह